दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन लर्निंग ऑफ द बेस्ट वे चैनल में। ये मॉडल पेपर है सूचना सहायक की, हाल ही में एग्जाम होने वाला है 12 मई को, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत 200 क्वेश्चन लिए गए हैं टोटल, तो इस मॉडल पेपर को अपने जल्दी करने का ट्राई करेंगे क्योंकि 200 क्वेश्चन है उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इसकी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैसलमेर क्षेत्र को प्राचीन समय में अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो जैसलमेर क्षेत्र को वलदेश और मांड के नाम से जाना जाता था, तो ये दोनों ही उक्त दोनों ही आएंगे सही है। ताल छापर और पंडियारा रण क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? ताल छापर का एरिया कौन सा है? सिखावाटी का एरिया है, पंडियारा भी वहीं है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी? तो सभी को पता है काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, मेक्सनीज के द्वारा लिखी गई थी। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन है? कलिंग के नरसंहार का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख से पता चलता है अपने को? ये शिलालेख नहीं है, शिलालेख है, तो इसका आंसर है 13वें शिलालेख से पता चलता है। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासन काल के दौरान करवाया गया था? किसके टाइम में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में करवाया गया था। मौर्य युग का चांदी का सिक्का कौन सा था? मशक, पर्ण, शतमान या काकणी? तो जो मौर्य युग का चांदी का सिक्का था वो पर्ण था। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र शासन का वर्णन उपलब्ध है, कौन सा ग्रंथ है जिसके द्वारा अपने को पाटलिपुत्र के प्रशासकों का वर्णन मिलता है? वह जी इंडिका, मेघस्थनीज के द्वारा लिखा हुआ। नेक्स्ट है 8th नंबर क्वेश्चन है, वैदिक युग में शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो वैदिक युग में आचार्य आश्रम में शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में भारत के किस भाग में स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन से भाग में था? तो वो है उत्तर पश्चिम भाग में। रेल कमीशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? रेल कमीशन का गठन, रेल की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी, जबकि ये रेल कमीशन का गठन वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है, वेनसांग सर्वप्रथम भारत में कहाँ पहुँचा था? वेनसांग भारत में कपीसा में आया था सर्वप्रथम। 12 नंबर क्वेश्चन है, दस कुमार चरित्र व अवंती सुंदरी किसकी रचना है? दस कुमार चरित्र व अवंती सुंदरी ये दंडी की रचना है। नेक्स्ट है, समसभा के संस्थापक कौन थे? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी को पता भी है, गोविंद गिरी थे। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी? यह 24 जून 1978 को हुई थी प्रथम औद्योगिक नीति। नेक्स्ट है, राजस्थान में फेल्सपार का खनन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो फेल्सपार के लिए राजस्थान में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अजमेर है जी, अजमेर में ही एक जगह पे ही सर्वाधिक होता है, नागौर में भी फेल्सपार का कुछ उत्पादन किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, बहुदलीय व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ क्या उदाहरण है? बहुदलीय व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है फ्रांस है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? वित्त आयोग, चुनाव आयोग या वित्तीय आपातकाल या संविधान समीक्षा? तो ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है 360। भारत में न्यायपालिका कैसी है? भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? महाराष्ट्र में ओम लोक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया गया था? पाकिस्तान प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को पारित किया गया था। एओ होम्स जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में, उसका पूरा नाम क्या है? एलन एक्टोवियन अयूंग, इसका पूरा नाम है एलन एक्टोवियम अयूंग। दुधवा खारा आंदोलन कौन सी रियासत से संबंधित है? काफ़ी बार पूछा जा चुका है और पता भी होना चाहिए, ये बीकानेर से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति प्रारंभ कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटन परिपथ में शामिल जिले कौन कौन से हैं? मरु त्रिकोण के नाम से राजस्थान में 3 जिले आते हैं, ये 4 जिले हैं मेनली, उनका संबंध कौन कौन से है? वो बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर बीकानेर है क्या, या जोधपुर जैसलमेर बीकानेर अजमेर, कौन से ज़िले होने चाहिए? ये है जी बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर और बीकानेर है, जो कि मरु त्रिकोण पर्यटक के रूप में जाने जाते हैं। सर्वप्रथम उत्तरी भारत में उत्तरी राजस्थान में बीकानेर, फिर उसके नीचे जैसलमेर है, फिर साइड में जोधपुर है और नीचे नीचे फिर बाड़मेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है, भूमिगत हवाई अड्डा है ये। सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव किस जिले में है? सड़कों से जुड़े हुए सर्वाधिक गांव है गंगानगर में है। नेक्स्ट है, फैक्स अधोनीत या व्यवसायिक लेटर जिसे आम कार्यों के लिए, रिकिस्तान एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है, टेम्पलेट फाइल फोरम या डेटाबेस क्या है जो कि एक पहले से डिजाइन किया हुआ व्यवसायिक लेटर के रूप में काम में लिया जाता है? तो वह है जी टेम्पलेट। सबस्क्रिप्ट का उदाहरण कौन सा है? सबस्क्रिप्ट ये है और सुपरस्क्रिप्ट इसके ऊपर पावर आएगी, ये सुपरस्क्रिप्ट का है। तो इनमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? तो ये सभी हैं, रेडी मेल, याहू, हॉटमेल, सभी ये निःशुल्क मेल ईमेल सेवा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है 32, डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रियाओं का प्रथम चरण होता है, रिपोर्ट बनाना, वर्गीकरण, एकत्रीकरण या संक्षिप्तीकरण, क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग जो प्रक्रिया का प्रथम चरण है वो एकत्रीकरण का होता है। नेक्स्ट है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था, विंडोज सॉफ्टवेयर किसके द्वारा निर्माण किया गया था? IBM, विप्रो या एप्पल, ये तीनों के द्वारा। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण है वो IBM के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किसके लिए होता है? फाइल को पहचानना या फाइल को नाम देने के लिए या फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए? तो ये फाइल को प्रकार को पहचानने के लिए फाइल एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस में के होती है, बहुत बार आई है ये। दोस्तों एक बच्चे का या एक दोस्त का कमेंट आया था कि क्वेश्चन ये सूचना सहायक के लेवल के नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि इसके लाइक के जो लेवल है इसका, इन क्वेश्चनों का काफ़ी डाउन है। आप पीछे के पेपर उठा के देख सकते हो 2013 का, जैसे आप पेपर देखोगे तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन देखने में इजी लगते हैं लेकिन उस टाइम पेपर के दौरान वो कठिन हो जाते हैं। तो इजी प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से देख के जाएं, ऐसा नहीं है कि आप
केवल उन्हीं हार्ड क्वेश्चनों को ही देखते रह जाएं। तो 2013 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपको मैं बता देता हूँ, अगर किसी ने नहीं देखे हैं पेपर, अगर नहीं देखा है तो ऐसे इतने इजी क्वेश्चन थे कि जैसे OSI में कितनी लेयर होती है, ऐसे क्वेश्चन आए थे। लेयर का सभी को पता है 7 लेयर होती है OSI में। वेब ब्राउज़र नहीं है, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, जैसे फॉक्स प्रो दे दिया, सफारी दे दिया, ओपेरा दे दिया, मोजिला दे दिया, तो फॉक्स प्रो है वो वेब ब्राउज़र नहीं है। और कुछ क्वेश्चन जैसे 1 किलोबाइट किसके बराबर है, कितने बाइट के बराबर है, क्या ये क्वेश्चन इजी नहीं है? ये जो नॉर्मल नॉलेज रखता है, जिसने RSCIT भी किया है उसको भी ये क्वेश्चन पता है। LCD का फुल फॉर्म क्या है, CPU की फुल फॉर्म क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी 2013 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इनको नॉर्मली ना लेके अच्छी तरह से इनको देखिए, आप रिवीजन के तौर पे यूज कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे पूछे जा चुके हैं, जैसे IBPS, SBI में, PO में, इनमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, वर्ड में किसी प्रोग्राम को सेंट्रल लाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+E का यूज होता है सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए। नेक्स्ट है, यदि आपके कंप्यूटर में MS वर्ड गलती से डिलीट हो गया तो आप रन पर जाकर क्या कमांड देंगे जिसका MS वर्ड खुल जाए? शॉर्टकट की है MS वर्ड को ओपन करने के लिए, इसकी शॉर्टकट की है विन वर्ड। आप रन कमांड में विन वर्ड टाइप करके भी इसको एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट है, टेक्स्ट के सामने गोला, तीर, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? बुलेट्स होते हैं। एक्सेल में पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कीज काम में आती है? एक्सेल में पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कीज काम में आती है? तो Ctrl+Shift उसके साथ में स्पेस दबाने पर जो वर्कशीट है वो कम्प्लीटली सेलेक्ट हो जाएगी, Ctrl+Shift के साथ स्पेस बार। नेक्स्ट है, एक्सेल में पेज की डिफ़ॉल्ट स्थिति क्या होती है? पोर्ट्रेट होती है। सूत्र आप जिसमें उपयोग कर सकते हैं एक्सेल में, फॉर्मूलेज यूज होते हैं। एक्सेल 2007 के अंतिम कॉलम का जो लेबल होता है कौन सा होता है? XFD होता है। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन में किस कमांड द्वारा पहली स्लाइड पर जा सकते हैं? तो फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं? यह है Ctrl+ में होम। नेक्स्ट है, जब कोई कंप्यूटर बंद हो जाता है तब रैम में क्या रहता है? BIOS रहता है या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ नहीं? तो जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम है वो खाली हो जाती है, कुछ नहीं होगा इसमें। QWERTY किससे रिलेटेड है? QWERTY कीबोर्ड से है, QWERTY टाइप के कीबोर्ड चलते हैं अपने यहाँ। मॉनिटर और हाई ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडल रखने पर क्या होता है? मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडल रखने पर क्या होता है? ये होता है जी स्टैंड बाई मोड। MS Excel 2010 में सेल में कमेंट्स लिखने को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं, सेल रेट कहते हैं, सेल ट्रिप कहते हैं, या इनमें से कुछ अलावा नाम है इनका? तो इसको अगर MS Excel 2010 में सेल में अगर कमेंट लिखेंगे तो उसको सेल ट्रिप कहेंगे। नेक्स्ट है, एक फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए कौन सी कीज यूज होती है? Shift+ में डिलीट। नेक्स्ट है, वर्णमाला में आपके बाएं से 12वां और अक्षर और 7वें अक्षर के बीच में, आपके बाएं से 12वां
और सातवें अक्षर के बीच के अक्षर के बाईं ओर आठवां अक्षर कौन सा होगा। तो आप ये रीजनिंग के क्वेश्चन आप निकाल लेना खुद, मैं आपको आंसर इनके बता देता हूँ, क्योंकि अब जैसे इनको निकालेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका आंसर डी होगा। जब सोरिजन में कितने अक्षर युग्म हैं, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, कितने अक्षर हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में दोस्तों, देख लेना यही फॉर्मेट रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से आ जाए, दो तीन चार टॉपिक हैं रीजनिंग के टोटली, जो कि सूचना सहायक में आने हैं टोटल, जैसे एसएससी में या बैंक में जो भी रीजनिंग आती है वो रीजनिंग इसमें नहीं आएगी, सिंपल आएगी रीजनिंग, इतनी हार्ड नहीं होगी। तो जो ये क्वेश्चन अपने कवर किए हैं वीडियो में वही टॉपिक आप देख लीजिए अच्छी तरह से, इसके आंसर तीन से अधिक होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द को अगर शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा मध्य में होगा, मध्य का बताना है, प्लेन होगा। कौन सा वर्ण एच व एस के ठीक बीचों बीच स्थित है, एच आठ पे आता है और एस आठ और उन्नीस के बीच में कौन सा अंक होगा, कौन सा होगा, आठ और उन्नीस के बीच में कितने अंक रह गए, ग्यारह, तो पाँच पाँच छोड़ दो, दसवां अंक बीच वाला, पाँच पाँच छोड़ोगे दोनों साइडों में, आठ प्लस पाँच तेरह, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। यदि संख्या 6914387 के अंकों को घटते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति में परिवर्तित नहीं होगा, आप देख सकते हो इनको करके, घटते क्रम में लिखने हैं इनको। किसी सांकेतिक भाषा में एंडसम को ये लिखा जाता है, तो सांकेतिक भाषा में ईपीए डेमिक को क्या लिखा जाएगा, आप देख लीजिए। नीले को हरा, हरे को काला, काला को सफ़ेद, सफ़ेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल और लाल को नारंगी कहा जाता है, रक्त का रंग कैसा होगा, तो रक्त का लाल होता है, लाल को नारंगी कहा जाता है, नारंगी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी खास कोड में गोन को 5139 और नोडल को 31268 लिखते हैं, तो लॉज को कैसे लिखा जाएगा, नेक्स्ट है। पांच व्यक्ति एक सड़क पर, इसका आंसर क्या होगा, ये आप निकाल लेना, आंसर इसका ये हो जाएगा 81259। पांच व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे, डी ए से आगे, ई बी का अनुसरण कर रहा है, सी ए व बी के बीच में है, बताइए कतार के मध्य में कौन सा है, तो कतार के मध्य में सी होगा। एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान 17वां है, बताओ उसका अंतिम से कौन सा स्थान है, 31 टोटल है 17वां है, कितने रह गए, 14 रह गए, प्लस वन करना है अपने को, 15वां स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है 59, जिस प्रकार टेल्ले का संबंध पहाड़ से है उसी प्रकार झाड़ी का संबंध किससे है, टिल्ले का पहाड़ से है तो झाड़ी का जंगल से होगा, टिल्ले से पहाड़ बनता है उसी प्रकार झाड़ियों से जंगल बनता है। जिस प्रकार हवा का संबंध चक्रवात से है उसी प्रकार फुहार का संबंध किससे है, हवा से चक्रवात आता है तो फुहार का संबंध किससे है, छिड़काव से है। नेक्स्ट है दूध क्रीम, दूध का संबंध क्रीम से है तो धान का संबंध किससे होगा, धान से क्या बनता है, धान से चावल बनते हैं, ये चावल है। पुरुष
का संबंध बच्चे से है तो पुश का संबंध किस से है, कली से होगा। भिन्न चुनना है 250, 150, 125 और 300। तो इसमें से कौन सा है 125? 15 के बाद क्या आएगा? 5 से 8 बनाए, 8 से 15, 15 के बाद क्या आएगा? 3 असंगत का चयन करो, बकरी खरगोश कुत्ता गाय। इसमें कुत्ता होगा। नेक्स्ट भी असंगत है, अमीबा, बैक्टीरिया, जर्मम और माइक्रोब। तो इसमें अमीबा असंगत है, ये रीजनिंग की है। ए व बी भाई है, एस व डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, बताओ कि बी सी से क्या संबंध है। बी का सी से चाचा हो जाएगा। नेक्स्ट है, 30 की औरंगजेब कहते अशोक ने कहा कि वे मेरे बहन के इकलौते भाई का पुत्र है, बताओ कि 30 अशोक से कैसे संबंधित है। ये पुत्र होगा उसका। स्विच का उपयोग क्यों किया जाता है? स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्विच का उपयोग, स्विच और हब का उपयोग स्टार टोपोलॉजी में किया जाता है। स्टार में इस प्रकार होती है, या बीच में स्विच हो या हब लगा होता है, उसके बाद इनको आपस में कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। ये एक स्टार की तरह दिखता है। ग्राहक व व्यापारी के बीच ई कॉमर्स का माध्यम क्या है? इंटरनेट है। डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर किस प्रकार से वर्णन करता है? किस प्रकार का वर्णन करता है डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर? ये संगठन को बताते हैं, जैसे .in, .com, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं। नेक्स्ट है, .gov, .edu, .mil और .net के एक्सटेंशन को क्या कहा जाता है? अभी आया था, ये डोमेन नेम होते हैं, डोमेन का नाम होता है, टॉप लेवल डोमेन है। कंप्यूटर की स्क्रीन को 2 से अधिक भागों में विभाजित को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की स्क्रीन को 2 पार्ट से अधिक पार्ट में डिवाइड करने को स्प्लिट कहेंगे। नेक्स्ट है, एमएस पेंट में सेव फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .bmp होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के समय और दिनांक के लिए क्या जिम्मेवार है? सीमोस बैटरी। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण क्या है? जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, जबकि ये नहीं है। 3 एमएस वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग की तरंगित रेखा दर्शाती है। दोस्तों, लाल रंग होता है या हरा रंग होता है, ये बताइए आप। अगर किसी को पता हो तो कमेंट कीजिए कि जो एमएस वर्ड में कहीं भी एरर आती है, जैसे व्याकरण की अशुद्धि होती है या तो उसमें या वर्तनी में अशुद्धि है, तो कौन सा कलर आता है? तो ये लाल रंग किसको दिखाता है? वर्तनी में अशुद्धि। कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण कौन सा नहीं है? एमएस एक्सेल है, यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। जब हैकर आपके फ़ोन या ईमेल पर संपर्क करके आपका पासवर्ड अधिग्रहण करने की कोशिश करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? फिशिंग कहते हैं। अगर आपके
बैंक से संबंधित या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन कोई प्राप्त करना चाहता है हैकर तो वह फिशिंग कहलाती है। स्पैमिंग ईमेल के द्वारा होती है और बगिंग एरर होता है। एरर क्या होता है, एरर क्या होता है, समान डेटा टाइप वाली वैल्यू का समूह होता है। नेक्स्ट है, कौन सा फंक्शन रन टाइम के दौरान मेमोरी आरक्षित करने में काम आता है। रन टाइम के दौरान मेमोरी को आरक्षित करने के लिए मेलोक फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, जावा में एरेज होते हैं, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रेफरेंस या प्रिमिटिव डेटा टाइप या इनमें से कोई नहीं है। तो जावा में ऑब्जेक्ट, जावा में एरे ऑब्जेक्ट होते हैं। AIFT की फुल फॉर्म क्या है, AIFT ऑडियो इंटरचेंज फॉर्मेट है या ऑडियो इन्फॉर्मेशन फाइल टेबल है या ऑडियो आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेट है या ऑडियो इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट है। तो AIFT की फुल फॉर्म ऑडियो इंटरचेंज फॉर्मेट होती है। CCTV की फुल फॉर्म क्या होती है, CCTV की फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टेलीविजन। नेक्स्ट है, MS वर्ड में किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए माउस के साथ किस कीज का यूज किया जाता है, कंट्रोल का। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट स्लाइड सॉर्टर किस मेन्यू में होता है, तो ये व्यू मेन्यू में होता है। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो को कैसे रोका जा सकता है, एस्केप की सहायता से। नेक्स्ट है, 88 नंबर क्वेश्चन है, डेटाबेस तैयार करने में तीसरा चरण है जब हम अपने डेटाबेस का अधिक बारीकी से एनालिस करते हैं और टेबल के बीच क्या बनाते हैं, रिलेशन जॉइन क्वेरी या इनमें से कोई नहीं, क्या बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं डेटाबेस के बीच में, डेटाबेस और टेबल के बीच में। डेटाबेस तैयार करने में हम टेबल के बीच रिलेशन बनाते हैं। एक डेटाबेस टेबल में सूचना की श्रेणी को क्या कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है, रिकॉर्ड या ट्यूपल या फाइल, तो उसको फील्ड कहा जाएगा। टेबल में अगर सूचना को फील्ड कहा जाता है। टेबल में किसी फील्ड का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, टेबल में अगर फील्ड का नाम दिया जाए तो कितने कैरेक्टर का अधिकतम हो सकता है, 64 कैरेक्टर का होता है। कौन सा कंट्रोल मैसेज को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, टेक्स्ट बुक, लेबल लिस्ट बुक्स या चेक बुक्स, किसका यूज किया जाता है, ये लेबल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क किस तकनीक पर काम करती है, तो ये मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क सिस्टम पर काम करती है। मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, जेटा है, सभी को पता होना चाहिए। टेराबाइट से ऊपर होती है ये। वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है, विभिन्न भौगोलिक स्थलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। सर्किट स्विचिंग में प्रेषित और ग्रहणकर्ता उपकरण के बीच एक निश्चित संचार पथ होता है। कौन सा सर्किट स्विचिंग का उदाहरण है बताइए, तो ये टेलीफोन नेटवर्क है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मैक्स डेटा कैपेसिटी फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए अधिकतम कैपेसिटी कितनी है डेटा ट्रांसफर करने की, वह जी 1000 Mbps।
नेक्स्ट है प्रोवाइड्स फुल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस टू एप्लीकेशन, कौन प्रोवाइड करता है फुल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस एप्लीकेशन को, TCP, UDP, ERP ऐप इनमें से कोई नहीं, तो TCP ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है गीगाबिट इथरनेट एक्सेस मेथड इंक्लूड इन विच मोड, कौन से मोड में गीगाबिट इथरनेट मेथड यूज होता है एक्सेस करने के लिए, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स या दोनों हैं, ये दोनों ही यूज होते हैं। 99 है यूजेस फोर ट्विस्टेड पेयर, कौन सी ट्विस्टेड फोर ट्विस्टेड पेयर यूज की जाती है, एक जार बेस एसएक्स है या एक जार बेस टी है या एक जार बेस एलएक्स है, फोर बेस ट्विस्टेड है वो 100 बेस 1000 बेस टी होता है। नेक्स्ट है कौन सा एक वैलिड ऑथेंटिकेशन का तरीका है, पब्लिक की बेस पासवर्ड होस्ट बेस्ड या ये सभी, वैलिड ऑथेंटिकेशन का कौन सा तरीका है तो ये सभी है पब्लिक की बेस्ड पासवर्ड या होस्ट बेस्ड। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन है कौन सा एक वैलिड ऑथेंटिकेशन का तरीका, ये सभी हो जाएंगे। एंटीवायरस किसका उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम या लैंग्वेज ट्रांसलेटर या वायरस का या एक टाइप ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी यूटिलिटी प्रोग्राम है, तो ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज के फोल्डर समानांतर शब्द है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में फोल्डर को क्या कहते हैं, डायरेक्टरी। आइकन क्या है, लिखित कमांड मौखिक या चित्र कमांड है, ये सभी है तो ये चित्र कमांड है आइकन। नेक्स्ट है प्रिटी बिट को जोड़ा जाता है, प्रिटी बिट को किससे जोड़ा जाता है, कोडिंग ई कोडिंग या एरर डिटेक्शन या कंट्रोलिंग या इंडेक्सिंग, क्या है प्रिटी बिट को किससे जोड़ा जाता है, एरर डिटेक्शन से। CBS का फुल फॉर्म क्या है, CBS कई बार पूछा जा चुका है, इसकी फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। इसको फुल फॉर्म ना पूछ के इसको इसलिए ऐसे पूछा जाता है कि CBS में B का क्या अर्थ है, आपको दे देंगे बैंकिंग कोर दे देंगे बोल्ड दे देंगे या अलग अलग नाम दे देंगे बुक दे देंगे, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है CBS का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। USA के लिए विभाग ने इंटरनेट का उपयोग शुरू किया, कौन से विभाग ने, USA का कौन सा विभाग था जिसने इंटरनेट की शुरुआत की थी, रक्षा विभाग था जिन्होंने अपना खुद का नेटवर्क बनाया था पहली बार। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी कहते हैं। नेक्स्ट है फाइल को उठाने के लिए कौन सी कमांड है, तो डेल कमांड पूछी है इसने, रिमूव डायरेक्टरी होगी RD। फाइल को उठाने के लिए ये डायरेक्टरी को उठाने के लिए, फाइल को उठाने के लिए कौन सी कमांड होगी, ये होगी डेल कमांड होगी। कौन सी कमांड का परिणाम क्रमानुसार देख लेते हो, कमांड प्रयुक्त होती है सॉर्ट कमांड होती है क्या, नहीं सॉर्ट नहीं होती, सॉर्टिंग में देखने के लिए सॉर्ट कमांड का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा यूजर परिभाषित डेटा टाइप है, स्ट्रक्चर फ्लोट एरे या इनमें से कोई नहीं, तो स्ट्रक्चर होता है जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का क्या है, एप्लीकेशन ही है, एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर है ये। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ VSAT। VSAT की फुल फॉर्म क्या है? VSAT की फुल फॉर्म है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल होता है। VSAT की फुल फॉर्म वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। WWW की फुल फॉर्म क्या होती है? WWW की तो सुनी होगी, वर्ल्ड वाइड वेब। तो एक नेक्स्ट W और रह जाता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? उसकी होती है वोरम होता है, वर्ल्ड वाइड वेब वोरम। तो नेक्स्ट बचा हुआ W का अर्थ होता है वोरम। रीजनिंग का क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि अप्रैल माह में 5 रविवार हो तो 1 अप्रैल को कौन सा वार हो सकता है? 5 रविवार हो तो 1 अप्रैल को कौन सा वार होगा? शनिवार होगा। 8 बजे घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? 8 बजे पे देखिए 120 का। जनवरी 2018 में किन्हें भारत के नए विदेश सचिव बनाया गया? विदेश सचिव नए बने हैं 2018 में जनवरी में, कौन बने हैं? विजय केशव गोयल है। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2017 को राजस्थान की किस बालिका को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? कौन सी बालिका को दिया गया था बाल पुरस्कार 2017, जो कि 14 नवंबर 2017 को प्रदान किया गया? गुलाब दी सुराणा को दिया गया है। नेक्स्ट है 118 नंबर क्वेश्चन, प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र खोला जाए? जैविक अनुसंधान खेती केंद्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला गया है? ये झालावाड़ में खोला गया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का तृतीय चरण कब शुरू हुआ था? जल स्वावलंबन अभियान इसका तृतीय चरण शुरू हुआ है हाल ही में, तो वो कौन सी तिथि को हुआ था? 9 दिसंबर 2017 को हुआ है। नेक्स्ट है जी महाराणा प्रताप बटालियन का मुख्यालय कहाँ होगा? उदयपुर में। क्या सही है क्या ये? नहीं ये सही नहीं है, महाराणा प्रताप बटालियन का जो मुख्यालय है वो प्रतापगढ़ में होगा। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? सभी जानते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है नागौर दरबार का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा नागौर में दरबार लगाया गया था। जोधपुर की राजकुमारी जो जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध है उनका क्या नाम है? भानुमती है, भानुमती को ही जगत गुसाई के नाम से जाना जाता है, ये जोधपुर के राजकुमारी है। अकबर ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार कब कर लिया था? तो इसकी डेट बतानी है 1557 68 65 या 60 में अकबर के द्वारा चित्तौड़ पर कब अधिकार किया गया था? 1568 ईस्वी में किया गया था। खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो खानवा कहाँ है? राजसमंद में। क्या सही है क्या राजसमंद? नहीं, खानवा का युद्ध हुआ था भरतपुर में, भरतपुर है, भरतपुर में खानवा पड़ता है। नेक्स्ट है किस रानी ने अपना सिर काटकर अपने पति को दिया था? कौन सी रानी थी? हाड़ी रानी थी, राजा सलूम्बर की पुत्री थी ये। चित्तौड़ कितने माह तक अलाउद्दीन खिलजी के घेरे में रहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ कितने माह तक अलाउद्दीन खिलजी के घेरे में रहा था?
वो है जी 8वां है, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना कब से प्रारंभ की गई है, इसकी डेट बतानी है। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, उसकी शुरुआत कब से हुई है, 19 नवंबर 2007 से हुई है इसकी शुरुआत। ये रीजनिंग का है, पांच व्यक्ति एक कतार में इस प्रकार बैठे हैं, सी ए और डी के बीच में, बी डी का पड़ोसी नहीं है, ई सी के बाई आया बायां दूसरा है, तो सबसे बीच में कौन बैठा है। कौन सा शब्द बनाया जा सकता है इनसे, तो लेम एल ए एम ई बनाया जा, एम है ही नहीं, ये नहीं बनाया जा सकता। रेशियो बनाया जा सकता है क्या, आर ए टी आई ओ, ये भी नहीं बनाया जा सकता, आई नहीं है इसमें। रैप्ट आर ई पी नहीं है इसमें, तो ये बनाया जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में उत्तर को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण को पूर्व, पूर्व को पश्चिम, तो सूरज कौन सी दिशा से निकलता है, पूर्व से निकलता है, और पूर्व को क्या कहा है, पूर्व को पश्चिम कहा गया है। नेक्स्ट है ए ई आई ओ होगा, कॉन्सोनेंट है ए ई आई ओ यू, स्वर है वोवल है ये। नेक्स्ट है कौन सी संख्या विषम है, विषम संख्या बतानी है, 131, 133, 123 और 143। कौन सी होगी, 123 है, जो कि 3 से डिविजिबल है, बाकी अविभाज्य संख्या है, अभाज्य जिनको भाग नहीं किया जा सकता किसी संख्या से। नेक्स्ट है किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट को जोड़ते हैं, ये हाइपरलिंक होता है। वर्ड रैप की विशेषता क्या है, टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार शब्द अगली पंक्ति में ले जाता है, डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में दिखाई दे सकता है, या डॉक्यूमेंट के अंत में दर्शाई जाने वाली आडी रेखा या टेक्स्ट पर टंकन करने में मदद करता है, तो ये नंबर ऑप्शन इसका सही है। ईमेल संदेश के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, टीसीपी आईपी डोमेन या आईएसपी, डेस्टिनेशन डिवाइस एंड सेंडर एंड एड्रेस संदेश एंड सिग्नेचर, टीसीपी आईपी एंड संदेश। तो ईमेल संदेश के, ईमेल मैसेज के कौन से 3 भाग होते हैं, ये एड्रेस मैसेज और सिग्नेचर, ये 3 भाग। 1024 GB किसके बराबर है, 1 TB के बराबर है। पेज प्रीव्यू मोड से आप पेज प्रीव्यू मोड से क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज को देख सकते हो। नेक्स्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजर को क्या कहा जाता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजर को क्या कहा जाता है, विंडोज एक्सप्लोरर कहा जाता है। किसी दस्तावेज को नए नाम से सेव करने के लिए फाइल सेव का यूज करेंगे। वर्ड में फाइल सेवेज यूज करेंगे आप, फाइल सेवेज भी यूज कर सकते हैं। वर्ड में किसी दस्तावेज की मुख्य बातों का संक्षिप्तीकरण करने के लिए काम में ली जाने वाली तकनीक कौन सी है, ऑटो समरी या ऑटो फॉर्मेट या ऑटो करेक्ट, कौन सा होता है, तो ऑटो समरी होती है। कौन सा डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है, डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, लेफ्ट होता है। ये डिफॉल्ट अलाइनमेंट करेक्टर का तो लेफ्ट होता है, जबकि नंबर्स का देखें अपने, नंबर्स का होगा राइट होगा, लेफ्ट नहीं होगा। डिफॉल्ट अलाइनमेंट अगर पूछ लिया जाए नंबर्स का तो राइट होता है, और करेक्टर का पूछ लिया जाए तो लेफ्ट होता है। तो दोनों के अलग अलग है, दोनों को एक साथ भी पूछ लिया जाता है। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा आप क्या परिवर्तित कर सकते हैं,
पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा अलाइनमेंट मार्जिन ये सभी कर सकते हैं आप। एमएस एक्सेल में किसी वर्क बुक को बंद करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल डब्ल्यू का। फॉर्मूला है राउंड का 2.14 और कोमा 1 दिया हुआ है, तो इसको राउंड करेंगे तो किस में हो जाएगा? 2 में हो जाएगा, क्योंकि दशमलव संख्या को ये हटा देगा। क्या ये सही है? क्या नहीं, ये राउंड करेगा तो इसको कैसे करेगा? देखिए, जो दशमलव की संख्या है ना 1.4, उसको ये रिमूव कर देगा, जबकि कोमा के बाद जो संख्या है वो रखेगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2.1 होगा, ना कि 2 होगा। नेक्स्ट है, वर्कशीट पर ओरिजेंटल व वर्टिकल लाइनें होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ओरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को क्या बोला जाता है? ग्रिड लाइन कहा जाता है। चयनित सेलों से चार्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? चार्ट बनाने की शॉर्टकट की है वो है F11। इनमें पहले सेलों को सिलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है 148, सामान्यतः उद्देश्य जैसे फोटो एल्बम या क्विज शो के लिए पूर्ण वर्जित प्रेजेंटेशन कौन सा है? टेम्पलेट है। नेक्स्ट है, कौन सी नेटवर्क क्लास मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व है? तो मल्टीकास्टिंग के लिए कौन सी क्लास के आईपी एड्रेस से रिजर्व रहते हैं? वो है जी क्लास डी। नेक्स्ट है, कौन सी कंप्यूटर के मेमोरी की अधिकतम इकाई है? मेमोरी की अधिकतम इकाई कौन सी है? तो ये जियो बाइट है। मेमोरी की अधिकतम इकाई जियो बाइट है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को या साउंड कार्डों में से कौन सा पार्ट जोड़ता है? बस यूएसबी, मिडी या सीपीयू? तो ये मिडी है, MIDI, जो कि साउंड कार्डों को जोड़ता है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयरों को कॉपी करने की प्रक्रिया इंस्टॉलेशन कहलाती है। नेक्स्ट है, एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावरपॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जा सकता है? एनिमेशन होता है। एक सौ चौवन नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग तब होता है जब सर्च इंजन खोज के मानदंड मैच करके वेब पेज को वापस करता है? तो किसका यूज होता है? लिंक का। नेक्स्ट है, वे उपकरण जो कंप्यूटर से सीधे संपर्क में रहते हैं और कंप्यूटर के नियंत्रण में कार्य करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऑनलाइन इनपुट डिवाइस होते हैं वो। नेक्स्ट है, डेटा आइटम एंड ऑर्गेनाइज एंड मैनेजमेंट मैनेजेबल तरीके के संग्रह को क्या कहलाता है? डेटाबेस। क्या कहेगा ये? डेटाबेस कहा जाता है जी। DSS के टूल कौन कौन से हैं? सॉफ्टवेयर या कोलोक्सी ग्राफिक या स्पेशल एडिटर या सभी है ये? तो कोलोक्सी ग्राफिक है वो DSS के टूल है। नेक्स्ट है 158, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं इसको। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB होती है। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं वो हाइब्रिड होता है।
एक से अनेक इनमें किस प्रारूप में देखा जा सकता है? एक से अनेक हायरार्किकल प्रोसेस, हायरार्किकल मॉडल में देखा जा सकता है। हायरार्किकल एक पेड़ की तरह होती है। सिस्टम एनालिस्ट का कार्य क्या है? सिस्टम एनालिस्ट का कार्य है सिस्टम बाउंड्री को तय करना होता है। नेक्स्ट है, किसी एंटिटी के सभी एट्रीब्यूट के ग्रुप को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड कहा जाता है। एक ऐसी युक्ति जिसमें कैट स्कैनिंग की जाती है क्या कहलाती है? कौन सा डिवाइस है जिसमें कैट स्कैनिंग की जाती है? कंप्यूटर टोमोग्राफी कहा जाता है, असिस्टेंट डायग्नोसिस, एक्सरे, या ये सभी? तो कंप्यूटर टोमोग्राफी बोला जाता है उसको, जिसके तहत कैट स्कैनिंग की प्रोसेस कहा जाता है इसे। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8 था। डेटा के सभी 1 और 0 के बिट्स को प्रथम प्रथम तारों में एक साथ डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? पैरेलल कीबोर्ड बोला जाता है इसको। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर का प्रयोग करने में आसान बना देता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे ही यूजर सिग्नल भेजने के लिए स्टाइलस के साथ इसे प्रेस करता है तो किस प्रेशर का प्रयोग करता है ये? टचपैड, ट्रैक पॉइंट, ग्राफिक टेबलेट या ट्रैक पैड? किसका यूज करता है? टचपैड का। 169 है, वर्ड में डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दोनों आशियों पर अलाइन करने वाले जस्टिफिकेशन को क्या कहते हैं? जस्टिफाई बोलते हैं। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम जैसे सॉफ्टवेयरों को आप ईमेल का प्रयोग आरंभ कर सके आपके पास क्या होना चाहिए? अकाउंट होना चाहिए, ईमेल अकाउंट होना जरूरी है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सीडी राइटर पर आप क्या कर सकते हो? सूचना को राइट कर सकते हो। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? कर्सर दिखाता है। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थोड़ी सी जगह के एडजस्टमेंट कंप्रेशन होता है, फाइल को कंप्रेस किया जाता है। यदि एक्सेल वर्कशीट को पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में यूज करने के लिए लिंक करना हो तो किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे? इसके लिए पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा अपने को, तो एडिट पेस्ट स्पेशल यूज करना पड़ेगा। 177 है, वर्ड डॉक्यूमेंट में सेंटेंस के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। 78 है, विंडोज ME में ME से क्या शब्द बनता है? ME की फुल फॉर्म क्या है? मिलेनियम है। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की। नेक्स्ट है, कंप्यूटर ट्रांसलेशन प्रोग्राम के बिना सीधे किस भाषा में समझता है? मशीनी लैंग्वेज में। अगर कोई ट्रांसलेटर न हो जो हाई लेवल को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसपोर्ट करने वाला,
नेक्स्ट है 111 0101, ये बाइनरी में दिया हुआ अंक है, इसको ऑक्टल में चेंज करना है तो कितना होगा, कर सकते हो 8 की 0 से शुरुआत करना है, 8 की 1, 0 को प्लस नहीं करना है, 8 की 0 कितना होता है 1, प्लस में 8 की 1, 8 की 2, 8 की स्क्वायर 64 होता है, प्लस फिर 5 नंबर 8 की 4, 8 की 4, फिर 5, 8 की 6, इन सभी को जोड़ोगे तो कितना होगा, एक सौ पैंसठ। आप 165 पे सीधा भाग दे के भी देख सकते हो, जिस 165 पे 8 का भाग दोगे, 8 2 16, 20 पर गया, 5 बचा, नेक्स्ट है 31 को डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करी, 31 को डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, वन अप आएगा, पोर्ट एड्रेस में वेल डिफाइंड पोर्ट की रेंज क्या होती है, वेल डिफाइंड होते हैं वो 0 से 123 होते हैं, टोटल देखें तो 0 से 65 535 होते हैं। अर्पानेट को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस विभाग द्वारा बनाया गया था, डिफेंस विभाग, रक्षा विभाग द्वारा। लैन में किस प्रकार की केबल का प्रयोग किया जाता है, कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट है ओएसआई मॉडल किसने बनाया था, आईएसओ के द्वारा बनाया गया। यूडीपी प्रोटोकॉल कौन सी लेयर में काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में, टीसीपी यूडीपी दोनों ही ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करते हैं। फिर है जीएसटी एवे बिल को भारत में किससे शुरू किया गया, कब से शुरू किया गया है, जीएसटी को अप्रैल से, 1 अप्रैल, 1 जनवरी 2018 से लागू किया गया है। C++ में एक क्लास में बंद फंक्शन को क्या कहते हैं, ए मेंबर फंक्शन, एन ऑपरेटर, ए क्लास फंक्शन या ए मेथड, क्या कहा जाएगा इसको, ए मेंबर फंक्शन कहा जाएगा। सी लैंग्वेज में कट सेकंड ऑपरेटर क्या करेंगे, कंपेयर टू न्यूमेरिक वैल्यू को कंपेयर करेंगे, या दो वैल्यू को कंबाइन करेंगे, या कंपेयर करेंगे बुलियन वैल्यूज को, या टू बुलियन वैल्यू को कंबाइन करेंगे, तो ये टू बूलियंस वैल्यू को कंपाइल करने के लिए कट सेकंड ऑपरेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है C++ में गो टू स्टेटमेंट यूज, कंट्रोल टू गो टू, किसको C++ में गो टू स्टेटमेंट होता है वो किसको कंट्रोल करने का कारण है, एक फंक्शन का लेबल को या वेरिएबल या एन ऑपरेटर को, तो एक लेबल को गो टू स्टेटमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक फंक्शन में कितनी वैल्यू वापस आ सकती है, एक वैल्यू वापस आती है। C++ स्ट्रीम इज क्या है, C++ स्ट्रीम
फाइल है, ए फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर है, एसोसिएट विद ए पर्टिकुलर क्लास, नेक्स्ट है सी प्लस प्लस में क्लास लाइब्रेरी की प्राइवेट फाइल होती है, कौन सी होती है, हेल्प प्रिवेंट कोड फ्रॉम बीइंग पिरेटेड और कंटेन ऑब्जेक्ट कोड, ये दोनों ही क्लास लाइब्रेरी में प्राइवेट फाइल होती है सी प्लस प्लस में, ब्रेकिंग प्रोग्राम इनटू सेवरल फाइल टू डिजायरेबल बिकॉज ए प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड फंक्शनली, एमएस पावरपॉइंट में टाइड स्लाइड किस टैब में होता है, टाइड स्लाइड है वो स्लाइड शो में होता है, एक्सेल में डाली जा सकने वाले न्यूनतम दिनांक कौन सी है, तो 1 जनवरी 1900 तक डाल सकते हैं, और अधिकतम पूछ ले तो 9999 तक है। नेक्स्ट है एमएस एक्सेस में शेयर पॉइंट कौन से टैब में होता है, शेयर पॉइंट है वो डेटाबेस टूल में होता है, 44 योजना किससे संबंधित है, लिंग आधारित भेदभाव में महिला हिंसा से संबंधित 44 योजना है। लास्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल ₹50,000 की राशि कितने चरणों में दिए जाने का प्रावधान है, राजश्री योजना के तहत ₹50,000 की राशि दी जाएगी वो कितने चरणों के तहत दी जाएगी, 6 चरणों में। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसी प्रकार के आपको प्रैक्टिस टेस्ट और भी मिलेंगे जिसमें थोड़ा सा लेवल हाई होगा, जो कि डेटाबेस सी प्लस प्लस लैंग्वेज और जावा के कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस और करंट राजस्थान का जीके इनसे संबंधित और ऑपरेटिंग सिस्टम से भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाएगा।